हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं SBI क्लियर 2021 के लिए स्पेशल बैच कंडक्ट करा रहा हूँ। उसके मैं सारे बेसिक टॉपिक कवर करा रहा हूँ, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया। तो एक प्रॉपरली जाके बस सीरीज देख लीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम के अंदर कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करने पड़े, ठीक है। आज मैं कराने वाला हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक है, पजल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मिनिमम एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स का, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क का, ठीक है। तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए मैं कैसे करा रहा हूँ, ठीक है। 8 पर्सन दिए PQRSTUVW आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। सर्कल के अंदर को 8 जन दिए, सबके सब इनसाइड फेस करें। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल कितने पर्सन दिए? 8 दिए। ठीक है, ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड सेंटर, सारे के सारे इनसाइड फेस करें, इसलिए हम लोग एरो बनाने की गरज नहीं है। पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्योंकि सेकेंड राइट में कौन बैठा है? अभी देखिए, सारे के सारे इनसाइड फेस करें तो उसका ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अभी देखिए, ये लेफ्ट है, राइट है, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, आया समझ में? तो यहाँ भी पी आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या बोला है, क्यू हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, क्यू जो है किसका इमीडिएट नेबर है? आर का इमीडिएट नेबर है। अभी आर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक आर ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर आर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। थ्री पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी के बीच में कितने पर्सन गैप है? 3 पर्सन का, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक है, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, ओके। टी Who is not an immediate neighbor of P? T who is not an immediate neighbor of P? तो obviously बात ये possibility हमारी wrong हो गई, ठीक है। आया समझ में? ये possibility हमारी सही बैठ रही है। W sit second to the left of V. W sit second to the left of V. अभी देखिए, W sit second to the left of V. V के second left में W बैठा है, first left second left. आया समझ में? यहाँ W बैठ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, V who is not an immediate neighbor of S? V who is not an immediate neighbor of S, मतलब S यहाँ पर नहीं आएगा, तो S कहाँ पर आएगा? S इधर आ जाएगा, ठीक है। और बचा मेंबर जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो P Q R S T U, तो U यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी सही होगी, ठीक है। तो आया समझ में? कैसे किया मैंने, एकदम इजी वे में समझाया, काफ़ी इजी पजल था। ऐसा पजल RRB क्लर्क या फिर IPS क्लर्क में देखने को मिलता है आपने को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पजल है, जिसको बेसिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस बार प्रॉपरली एक बार देख लीजिए, ताकि आप लोग समझ में आ जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कैसे करा है मैंने, एकदम इजी वे में समझाया। तब भी कुछ भी डाउट हो, कह रही हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।